नमस्कार, मैं अश्विनी। 7 दिन से राजस्थान की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला बाल विकास के दफ्तर के बाहर आंदोलन कर रही है। इनमें से कई भूख हड़ताल पर हैं। ऐसे हालात में महकमे के मंत्री या अधिकारी का क्या रुख होना चाहिए? आज सवाल आंगनबाड़ियों का है। क्या आंगनबाड़ियों की तस्वीर बदलने का दावा हर सरकार चुनाव से पहले करती है, तो फिर क्यों नए चुनाव के लिए इस मुद्दे को जैसे के तैसे छोड़ दिया जाता है? सवाल ये भी है कि क्यों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित नहीं किया जा सकता, या फिर उनकी सेवानिवृत्ति की आय पर फैसला नहीं लिया जा सकता, या फिर कहें गर्मी या फिर सर्दियों की छुट्टियाँ आंगनबाड़ी की इन महिला कार्यकर्ताओं को अध्यापकों की तरह क्यों नहीं मिल पाती? 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आखिर क्या है सरकार की मजबूरी? बात होगी इस पहलू पर, साथ ही जानेंगे आंगनबाड़ियों में काम करने वाले कर्मचारियों की परेशानी। देखते रहिए बिग फाइट लाइव में, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मुरझाती आंगनबाड़ियों की बात क्यों है और क्यों ये मुद्दा उठा है, देखिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश भर के 65,000 आंगनबाड़ी केंद्रों की करीब 2,00,000 कार्यकर्ता, सहयोगिनी और सहायिका 7 दिनों से अनशन पर बैठी हैं। कई महिलाएं बेहोश हो चुकी हैं, कई को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है। वहीं राजधानी के महिला एवं बाल विकास विभाग ऑफिस के सामने महिलाएं दिन रात अनशन पर हैं, लेकिन विभाग के मुखिया मंत्री अनिता भदेल को इनकी जानकारी तक नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर सरकारों की सिर्फ अनदेखी देखने को मिली है। कार्यकर्ता जहां 8 साल में सीएम से निदेशक तक 425 ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन मांगे जस की तस पड़ी हैं। मांगों के लिए मुख्यमंत्री को 70 बार, विभागीय मंत्री को 105 बार, जनसुनवाई में 10 बार, प्रमुख शासन सचिव को 90 बार और निदेशक को 150 ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन ज्ञापन के बदले सरकारों से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हालत वही है। यही कारण रहा कि कार्यकर्ताओं को राजधानी के साथ पूरे प्रदेश भर में सड़कों पर उतरना पड़ा। कार्यकर्ताओं की 11 सूत्रीय मांगों में प्रमुख मांगे हैं, नियमित कर राज्य कर्मचारी बनाया जाए, केंद्रों को नर्सरी पाठशाला का दर्जा दिया जाए, सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 साल की जाए, केंद्रों पर स्टेशनरी कम की जाए, मानदेय बढ़ाया जाए और केंद्रों का किराया 200 और 750 रुपए तक बढ़ाया जाए। वहीं सरकार ने सुराज संकल्प पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन, आशा सहयोगिनियों के योगदान को देखते हुए उनके मानदेय की बढ़ोतरी और एकमुश्त वार्षिक भत्ता का वादा भी किया गया था। साथ ही नियमित करने के लिए नीति बनाने के लिए एक उच्च अधिकार समिति बनाए जाने का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल गुजर जाने के बाद भी इनको पूरा करने की दिशा में सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की बात की गई थी और पेंशन के अलावा 100 करोड़ रुपए की राशि से आंगनबाड़ी कार्मिक कल्याण कोष बनाकर इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराने का वादा किया था, लेकिन वो वादे भी अभी तक पूरे नहीं हुए। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन योजनाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है और इन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया है। ऐसे में साफ है, सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण की बात तो करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया जाता। तो मौजूदा तस्वीर के बाद क्या समझा जाए? क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सरकारों ने न्याय किया है, या फिर इनका राजनीतिक लाभ लिया गया है? हर सवाल के बाद एक सवाल बिग फाइट लाइव में, जिस पर आपकी राय का हमें इंतजार है। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बीती सरकारों ने न्याय किया है, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी?
आप अपनी राय firstindianews.com के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर बता सकते हैं कि इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं। बीजेपी से पंकज जोशी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं। माकपा से भंवर सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। भंवर सिंह जी, इसी के साथ पहला सवाल मेरा आपसे है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो सूरत हाल आज राजस्थान में देखने को मिल रहा है, उसके लिए किसे जिम्मेदार समझा जाए और ज़्यादा जिम्मेदार कौन होगा? देखो, इसमें असली जी समझने की बात यह है कि ये पैसा जो आता ना बजट, ये केंद्र सरकार इसमें अलॉट करती है। नंबर वन, इन्होंने मोदी सरकार ने आने से पहले ये वादा किया था कि हम आंगनबाड़ी के बजट को बढ़ाएंगे। ये बजट पहले 14 के अंदर जो था ना वो 14,000 करोड़ का था, 18,000 करोड़, 15-16 में इसको 22,000 करोड़ करना था, लेकिन अभी जो बजट पेश किया उसमें इन्होंने 8,000 करोड़ ही किया। जब बजट में हमारे लोग कम हुआ 8,000 करोड़ पे लिया है, फिर झगड़ा करने के बाद में ये बजट अभी 14,000 करोड़ वित्त मंत्री ने पहले जैसा हो गया, मतलब नहीं 14 करोड़ हुआ, 18,000 करोड़ तो पहले था, जो 22,000 करोड़ पे ले जाना के 24,000 करोड़ करना था उसको अभी इन्होंने जो है केवल जो है 8,000 से 14,000 करोड़ किया है। जो बजट ही नहीं दे रही है केंद्र सरकार, जिसने वादा किया था बीजेपी ने अपने केंद्रीय में, तो केंद्रीय मंत्री जो मेनका गांधी है और खुद मोदी जी, दोनों के दोनों अपने वादे से मुकर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, सहायिकाओं की हालत इतनी बदतर है कि 13वें हमारे जो 45वां जो श्रम सम्मेलन हुआ दिल्ली में, जो कि 2013 में हुआ था, उसमें ये सिफारिश की गई थी कि पूरे देश के अंदर जो ये जो सहायिका केंद्र कर्मचारी जो ICDC के अंदर है उन सबको जो है राज्य सरकार का कर्मचारी मान के और न्यूनतम वेतन इनको दिया जाना चाहिए। अभी तक केवल पांडिचेरी एक ऐसा राज्य है जिसने इनको राज्य कर्मचारी मान करके और वेतन देना शुरू किया है। आज पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कोई पैसा दे रहा है तो केरल की सरकार है, जो इनको 10,000 रुपये महीना मानदेय देती है और रिटायरमेंट पर पेंशन भी दे रही है। त्रिपुरा दे रही है, तमिलनाडु दे रहा है, महाराष्ट्र में भी अभी इनको कुछ सुविधाएं देना शुरू किया है, इसी तरह से कर्नाटक ने भी शुरू किया, लेकिन राजस्थान हर तरह से पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कुपोषण की यह हालत है कि राजस्थान सबसे बैकवर्ड स्थिति में है। सरकार को इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो इस काम के लिए नियुक्त है उनको वो काम नहीं करवा के और 50 तरह के काम करवा रहे हैं, लेकिन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुख्य काम है कुपोषण से लड़ना, महिलाओं के लिए उनको दवा। भंवर सिंह जी, आपकी बात का इशारा समझू तो फिलहाल जो आंदोलन है वो काफी पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए क्योंकि अब जो है आंदोलन तो चलते हुए सालों हो गई। अभी हमने दिल्ली में जो है, मैं आपको बता दूं कि हमने 15 फरवरी 2016 को 50,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं दिल्ली में प्रदर्शन किया है और अभी 11 जुलाई 2016 को CITU जो है हमारा संगठन है CPM का, वो फिर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और 2 सितंबर 2016 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फिर भाग लेंगे इसी मांग को लेकर कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये लागू इन पर भी किया जाना चाहिए, इनको राज्य सरकार का कर्मचारी माना जाना चाहिए। अभी आप देखो राजस्थान की पोजीशन बहुत बदतर है इस मामले के अंदर। आप पड़ोसी राज्यों को देखेंगे तो हरियाणा में भी 7,500 रुपये वेतन मिल रहा है, लेकिन आपके यहाँ तो 4,700 रुपये ही दे रहे हैं अभी इस स्थिति के अंदर। आज हमसे छोटा राज्य पड़ोस में है जो कि हमसे ज़्यादा वेतन दे रहा है, इसी तरह से पंजाब में भी जो है हमसे ज़्यादा वेतन मिल रहा है 5,600 रुपये, साथ ही साथ उनको मेडिकल लीव 1 महीने की और दे रहे हैं। राजस्थान मेडिकल लीव भी नहीं दे रहा है और इनको जो बच्चे वगैरह जब होते हैं तो मैटरनिटी लीव जो मिलनी चाहिए 6 महीने की, जो कि सैंक्शन है गवर्नमेंट के द्वारा कि इनको 6 महीने का जो है मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, सरकार है वो भी नहीं दे रही है कहीं के ऊपर। ये स्थितियां अभी हमारे सामने है। अर्चना जी, आपका रुख करते हुए आपसे भी जानना चाहता हूँ, बीते दिनों आपने जब ये मसला खड़ा किया, आप इस मसले के बीच आई तो सरकार पर सीधा सीधा आपका आरोप था, क्या ऐसी मंशा है सरकार की जिसमें आपको खोट नजर आती है? देखिए अश्विनी जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि 2.5 लाख जो आशा सहयोगनी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सुपरवाइजर्स हैं, इन सब की जो भूमिका है वो मानव सूचकांक को बेहतर बनाने में सबसे बड़ा योगदान देती है। ये सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे भारत के परिदृश्य में मातृ और मृत्यु शिशु दर को कैसे कम करना है, कैसे उनके पोषण को सुनिश्चित करना है। आपने देखा अभी JLN हॉस्पिटल में जब मौत हुई तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि थे इन्हीं पर दोषारोपण कर रहे थे कि इनकी मॉनिटरिंग नहीं थी, जब उनसे सुनिश्चितता की बात की थी। यानी कितना महत्वपूर्ण काम करती हैं, उसके बाद इनका मानदेय कितना है, ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर। अब इसमें ये नहीं कहती कि हम लोग थे तब हमने बढ़ाया, लेकिन हमने इस ओर कदम बढ़ाया था कि हम इनकी आजीविका को कैसे सुनिश्चित करें, एक नीति निर्माण करके इनके उस समय जब ये उम्र के उस पड़ाव पर होंगी, जो इसको कह सकते हैं कि
जब इन्हें सामाजिक सुरक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, यानी सेवानिवृत्त होने के बाद, मानदेय से मुक्त होने के बाद, इनके लिए पेंशन कोष का गठन किया गया। 100 करोड़ का ये पेंशन कोष था जिसे यूपीए गवर्नमेंट ने स्वीकृति प्रदान की थी, जिसमें केंद्र सरकार का अंशदान और राज्य सरकार का अंशदान मिलकर के इनके सहयोग से इनके पेंशन की सुनिश्चितता होती। इसके साथ ही एक ऐसे कोष का निर्माण किया गया था जो इनके टर्मिनली इल होने पर इनके इलाज में काम आता। लेकिन ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कांग्रेस को भी बराबर का भागीदार मानते हैं उनके आज के हालात के लिए? देखिए, कांग्रेस को भागीदार मानते हैं ऐसा कहीं नहीं था। इन्होंने जब आंदोलन किया, 7 दिनों तक निरंतर मैं इनके बीच गई। इन्होंने मुखर होके कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने हमारे लिए नीति निर्माण करे कि हमारे जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया था, और यदि इस सरकार ने आते उस पर रोक लिया। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो बात यूपीए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री के सिग्नेचर के बाद अप्रूव हो चुकी हो, जिसे कि राज्य सरकार ने अनुमति दे दी और स्वीकार करके आत्मसात किया, उसको इन्होंने प्रतिबंधित किया। और मंत्री सदन के पटल पर कहती है कि हमारी कोई ऐसी योजना नहीं जिसमें मानदेय बढ़ाने की बात हो, और ऊपर से इनको कहा गया कि तुम तो वो काम करे जो आ बैल मुझे मार करने वाले। यानी आपकी कैसी संवेदना है, आपको जानकारी नहीं है संचार के युग में कि यहाँ कोई आंदोलन भी हो रहा है? तो मेरा ये कहना है अश्विनी जी, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ये इनको जो अभी जो बता रहे थे बावर सिंह जी, वो कह रहे थे कि इनको मानदेय बिल्कुल कम मिलता, सही बात है। मैंने भी इसको स्टडी किया डीपली जब 6-7 दिन इनके साथ मेरे, इनको तो एक कैदी जो कि पूरी तरह से कुशल माना जाता है उसको जो मानदेय मिलता है काम करने पर, वो तक नहीं मिल रहा। तो एक गंभीर विषय है। आऊंगा मैं, फिर आऊंगा इसी मुद्दे को लेकर आऊंगा। उससे पहले पंकज जी, एक सवाल आपसे भी है। मंत्री को पता नहीं है सरकार सो रही है या फिर महकमे के अधिकारी ऐसा है जो चाहते नहीं कि कुछ बदले? देखिए अश्विनी जी, अभी खुद जो है कांग्रेस की जो चेयर जो है मीडिया पर्सन है, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि हमने खाली नीति निर्धारण की। देखिए, किसी भी चीज़ का नीति निर्धारण करने के साथ साथ आप बजट एलोकेशन और बजट की व्यवस्था यदि आप करके चलेंगे तो निश्चित रूप से वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं कि खाली आपने नीति निर्धारण की उसके लिए एक छोटा सा आपने बजट किया, लेकिन देखिए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जो उनसे वादे किए थे, जिस तरीके की स्थिति आर्थिक स्थितियाँ बनी थी उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इनके मानदेय में वृद्धि की, और जो चीज़ें थी उनकी जो अदर मांगे हैं उन पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विचार कर रही है, और उन पर ये बात कर रही है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, क्योंकि जिस तरीके के प्रदेश की आर्थिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति जो छोड़ करके गए हैं, उन स्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से जो है इस पर विचार किया जा रहा है कि कितनी चीज़ें हम दे सकते हैं और किस किस तरीके से इनका जो है सहयोग हम कर सकते हैं। उस पर लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार लिखा भी है और इनको बार बार आश्वासन भी दिया है, और मेरे ख्याल में आने वाले टाइम पर जो है चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन जो अर्चना जी ने कहा और जो भंवर सिंह जी ने कहा, उस बात से मैं ये समझना चाहता हूँ पंकज जी कि क्या सरकार इस दिशा में काम कर रही है, क्योंकि लगता नहीं है, वरना दिल्ली में प्रदर्शन नहीं होता। 7 दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल तक शुरू कर चुके हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, लेकिन कोई पूछने नहीं गया। नहीं देखिए अश्विनी जी, मैं दो चीज़ें बड़े साफ से, देखिए कहना और करने में काफ़ी डिफरेंसेज है। जिस तरीके से अर्चना जी कह रहे हैं कि हमने किया, देखिए आज कोई भी चीज़ हो, शायद सरकार ये मानती है कि कोई भी जो चीज़ें हैं, शायद फंड जो है वो हमारे लिए और हम जैसा जैसा अलॉट करेंगे वो कर देंगे। देखिए ये जो फंड है बेसिकली इस तरीके से सरकार जो है ट्रस्टी है और सरकार सभी लोगों का जो फंड है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जिस तरीके के हालात पिछली बार बने, मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो आज की डेट के अंदर प्रदेश के ऊपर जो सबसे बड़ा जो हालात हैं वो है बेसिकली प्लांट एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट का बर्डन। मतलब आप देखिए कि जितनी पूरे स्टेट की सैलरीज हैं उनसे 1.5 गुना जाकर के ब्याज है, और उस ब्याज का 85% खाली एक जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है उस ब्याज के ऊपर है। तो मैं कह रहा हूं कि जो स्थितियां बनी हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार कौन है और उसका सरकार, देखिए उसका हश्र क्यों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? देखिए देखिए मैं ये कर रहा हूं, आज आता हूं मैं हमारे साथ अब कुछ ही देर में एकीकृत कर्मचारी महासंघ की संगठन मंत्री सावित्री शर्मा भी जुड़ने वाली है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उनको भी जोड़ेंगे, साथ ही अर्चना जी का जो पहलू है, भंवर सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जानना चाहेंगे कि पंकज जी की बातों के बाद इन दोनों की क्या राय है।